एचएमटी ट्रैक्टर रिश्तों जैसा मजबूत। दिल्ली शिमला हाईवे पिंजौर में स्थित एचएमटी ट्रैक्टर फैक्ट्री जो कभी पूरे भारत का गहना हुआ करती थी वो आज वीरान पड़ी है। यह रास्ता पिंजौर गार्डन से होते हुए सीधा एचएमटी फैक्ट्री की तरफ निकलता था वो आज सुनसान पड़ा है। जब मेरे पैदा होने के बाद मैंने होश संभाला, हमने तब से ही यह रौनक भरा माहौल देखा है। वो साइकिल पर जाते हुए ड्यूटी पे कर्मचारी, वो फैक्ट्री का बजा हुआ सायरन, उसकी बात ही कुछ अलग थी। वो आज भी आवाज़ें मेरे कानों में बजती हैं तो मैं उस माहौल से सिहर उठता हूँ। अगर आज भी अचानक कहीं ना कहीं से कानों में घंटी की आवाज सुनाई दे जाए, खुद ब खुद आंखों से आंसू छलक ही उठते हैं। यहां पर खूब चहल पहल हुआ करती थी, अब चारों तरफ देखो सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देता है। टूटी हुई सड़कें आज भी अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, मानो इन्हें आज भी अपने यहां रहने वालों का बेसब्री से इंतजार हो। सड़क व पुराने घर के बाहर बैठे ये जानवर आज भी अपने यहाँ रहने वालों का इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक घर से कहीं ना कहीं से एक रोटी का टुकड़ा ही मिल जाए। पर ये बेजुबान क्या जाने कि ये दुनिया तो उजड़ चुकी है। आपने यह सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कि यहाँ की हर एक दीवार एक कहानी बयां करती है। HMT एक खोई हुई दुनिया। मैं इस वीडियो में HMT से जुड़ी हुई हर एक चीज दिखाने वाला हूँ। अगर आप HMT पिंजौर से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत दुखी होने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। के खाली पड़े क्वार्टर जो खंडर हो चुके हैं, मानो आज भी अपने यहाँ रहने वाले बाशिंदों को चीखें मार मार कर वापस बुला रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। कभी इन क्वार्टरों में नन्ही नन्ही किलकारियाँ गूंजा करती थी। आखिर ऐसा हुआ क्या कि आज ये क्वार्टर एक वीराने में बदल गई। खिड़कियों व रोशनदान पर लगे जाले
टूटे हुए खिड़कियों के शीशे, टूटे हुए दरवाजे, पता नहीं किस दुर्दशा की कहानी बयां करते हैं। दोपहिया वाहन खड़ा करने के लिए यहां पर शेड भी दिए गए थे, जहां पर कर्मचारी अपनी साइकिल व स्कूटर खड़ा किया करते थे। आज इसकी भी दुर्दशा बेहद दयनीय है। HMT कॉलोनी में स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर, यह मंदिर यहाँ पर जब से फैक्ट्री लगी है तब से ही है और आजकल यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा बेहद कम होता है। फैक्ट्री में रह स्थायी कर्मचारी जो ट्रैक्टर बंद होने के बावजूद यहाँ से जा चुके हैं, आसपास के इलाके के भक्त यहाँ पर जैसे शिवरात्रि या कोई भी बड़ा त्यौहार होता है तभी यहाँ पर आते हैं। HMT ट्रैक्टर का इतना बड़ा साम्राज्य है, किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि ये इतनी जल्दी ही ऐसे समाप्त हो जाएगा। अभी मैं आपको HMT फैक्ट्री के बाहर के गेट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर अंदर से ट्रैक्टर का निर्माण होने के बाद यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े किए जाते थे और यहीं से डिस्पैच होकर भारत के अलग अलग शहरों व बाहर विदेशों में भी यहाँ से इसकी सप्लाई होती थी। मगर दुर्भाग्य, जहाँ पर लंबी लंबी ट्रैक्टर की कतारें होती थी, आज यहाँ पर एक ट्रैक्टर का टायर तक नहीं दिखता। मन दुखी होता है, इतना बड़ा ट्रैक्टर का निर्माण जो पूरे भारत पूरे संसार को सप्लाई करता था, आज एक ट्रैक्टर का निर्माण भी नहीं होता यहां पर। बहुत दुखी होता है मन। यह HMT का एडमिन ब्लॉक, यहाँ पर इतनी चहल पहल व भीड़ भाड़ होती थी, लगता था कि औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रांति यहीं से शुरू होती है। मगर दुर्भाग्य, आज यहाँ पर भी सिर्फ सन्नाटा ही पसरा है। HMT कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए की मशीनरी और हजारों करोड़ रुपए के निर्मित कर्मियों के लिए 1112 क्वार्टर, 2 स्कूल, ESI अस्पताल, डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कम्युनिटी सेंटर, मार्केट स्थापित किए थे। HMT ट्रैक्टर का निर्माण लगभग 4 वर्ष पूर्व
बंद कर दिया गया था, जिसका असर HMT के अंदर स्थित मार्केट व आसपास के पिंजौर कालका, जहां भी यहां के कर्मी बसे थे, इसका असर वहां की मार्केट पर भी पड़ा है। आप देख सकते हैं HMT के अंदर HMT का अपना जो कॉम्प्लेक्स था, यहां की दुकानें लगभग बंद ही हैं। ग्राहकों का ना होना सबसे बड़ी मुसीबत है, और यहाँ पर स्थापित बैंक के बाहर यहाँ के चाय बनाने वाले भी ग्राहकों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। अफसोस, अब यहाँ पर ग्राहकों का पहुँचना लगभग कम ही हो चुका है, कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही है जो अब आता है यहाँ पर। HMT एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, जहाँ पर यहाँ के कर्मचारियों व स्थानीय लोगों का आना जाना लगा ही रहता था, आज तकरीबन लगभग यहाँ पर यह ऑफिस बंद की कगार पर ही है। चलिए आपको HMT के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो शायद ही आपको पता हो, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने 23 अक्टूबर 1963 को फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। पहले यहाँ केवल मिलिंग मशीन ही बनती थी। लगभग 10 वर्ष के बाद ट्रैक्टर प्लांट भी लगाया गया था। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन इस पब्लिक सेक्टर को देश भर में मशीनों की मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपकरणों के उत्पादन के उद्देश्य से सन 1953 में HMT लिमिटेड बंगलोर में स्थापित किया गया था। HMT ने देश में इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के उद्देश्य से ट्रैक्टर निर्माण के लिए HMT ट्रैक्टर डिवीज़न 1971 में पिंजौर में स्थापित किया गया था, और लगभग इसे 4 वर्ष पूर्व ट्रैक्टर प्लांट को बंद कर दिया गया था, जो कि बेहद दुखद है। यह है HMT में स्थित डिस्पेंसरी, जहां पर इमरजेंसी सर्विस से लेकर दवाइयों का भी खास प्रबंध होता था, और डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी यहां पर बैठा करती थी। जबकि आज यहां पर इस डिस्पेंसरी में सिर्फ खामोशी और जर्जर दीवारें ही दिख सकती हैं। यह है AD ब्लॉक में स्थापित स्टेज। यहां पर एक थिएटर का प्रबंध किया जाता था, जिस पर पर्दा लगाकर यहाँ के कर्मचारी व उनके परिवार के लिए मूवीज़ का प्रबंध किया जाता था, और पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूरी फिल्म का लुत्फ उठाता था। मंजर यह हो चुका है कि यहाँ पर अब फिल्में तो छोड़ो, यहाँ पर खेलने वाले बच्चे तक नहीं आते। यह है HMT में स्थित विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, जो कि प्राइवेट है। पहले यहाँ पर HMT का अपना एक स्कूल हुआ करता था, उसे बंद होने के बाद अब इसे विवेकानंद मिलेनियम स्कूल को दे दिया गया है। मेरा खुद का मानना यह है कि यहीं से ही HMT का जो पतन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद निरंतर गिरावट ही इस फैक्ट्री को ले डूबी।
गुवाहाटी स्पोर्ट्स क्लब, जहां पर सुबह और शाम सैर करने वालों की चहल पहल और यहां का अपना एक जिम खाना हुआ करता था, जहां पर युवा वर्ग एक्सरसाइज करने आता था और इतने बड़े खुले ग्राउंड में जॉगिंग, रनिंग ये सब किया करते थे। मगर आज के टाइम में ये बिल्कुल शून्य हो चुका है। यहाँ के बाहर बड़ी दीवारों के बाहर गंदगी, कूड़ा करकट, ये सभी चीज़ें किसी का भी मन विचलित कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ की यादें यहाँ के कर्मचारियों के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा यह प्रयास था कि आपको इस वीडियो के ज़रिए आपकी HMT की खोई हुई तस्वीर दिखा सकूं। आपको शायद ही पता हो कि पहले ट्रैक्टर का सामान चेकोस्लोवाकिया से आया करता था और यहाँ पर उसे असेंबल किया जाता था। सन 1971 में पिंजौर में ही ट्रैक्टर का उत्पादन शुरू हुआ, जिसमें पहले ट्रैक्टर जीटर 2511 के नाम से ही आया करता था। जब यहाँ पर इसका निर्माण शुरू हुआ तो इसका नाम HMT जीटर 2511, उसके बाद 3511, 4511, 5911, 7511 आदि का निर्माण शुरू हुआ और ये पूरे भारत, पूरे विश्व में प्रचलित हुए। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि HMT ने अपनी जीप के 3 मॉडल तैयार किए थे, जिसे किन्हीं कारणवश सरकार ने इसे निर्माण की मंजूरी नहीं दी। दुर्भाग्यवश आज वही जीप HMT फैक्ट्री के अंदर ही चलती है। HMT ट्रैक्टर पिंजौर प्लांट बंद होने के बाद प्रदेश सरकार ने कंपनी की खाली पड़ी लगभग 100 एकड़ भूमि पर एप्पल मंडी का निर्माण आरंभ कर रखा है। कभी इस भूमि पर ट्रैक्टर की लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, अब देखना यह है कि यहाँ सेब के लिए ट्रकों का कितना अंबार लगता है। मेरे लिए यह किसी दुखद घटना से कम नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पर बचपन बीता है। ये HMT की ESI डिस्पेंसरी, यहाँ पर 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस रहती थी। एमरजेंसी पड़ने पर किसी भी समय आप एम्बुलेंस सुविधा ले सकते थे, मगर अब यहाँ की वीरान दीवारें, टूटे हुए दरवाजे, टूटी हुई बिल्डिंग और पत्तों के ढेर किसी दुखद घटना से कम नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ की जर्जर इमारत, इसके नीचे खड़े होने से यह नहीं पता कि कब ये छत आपके ऊपर गिर जाए, क्योंकि HMT कॉलोनी में बिताए एक एक पल मैंने अपने हृदय में संजोए रखे हैं। बड़ा दुख होता है जब ऐसे अपनी दुनिया को कोई उजड़ते हुए देखता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मेरी HMT आज भी यही पूछती है, मेरे प्यार और दुलार में कहाँ कमी रह गई थी, तो कोई मुझे बताए कि आखिर मेरा कसूर क्या था, कि आखिर मेरा कसूर क्या था।